हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू जो प्रोडक्ट आपके मेकअप के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप कम मेकअप करें, चाहे आप ज़्यादा मेकअप करें, अगर आपने अपने फेस पे कुछ भी लगाया है तो आपको इस प्रोडक्ट को खरीदना कंपल्सरी हो जाता है, क्योंकि तभी आपका मेकअप इंटैक्ट रहेगा एंड लॉन्ग रहेगा। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेबलिन के इस न्यूयॉर्क लास्टिंग फिक्स के बारे में। सो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है एंड मैं अभी रिसेंटली इसको यूज़ करना मैंने शुरू किया है। जब भी मैं मेकअप करती हूँ या फिर अभी विंटर्स में क्या हो गया, मैं मेकअप तो नहीं करती लेकिन हल्का फुल्का जो भी हम मेकअप करते हैं वो करने के बाद जब मैं इसको लगा लेती हूँ ना गाइज, मेरा मेकअप एज इट इज़ रहता है पूरे दिन। यस, पूरे दिन। सो ये है मेबलिन न्यूयॉर्क का लास्टिंग फिक्स और ये जो है आपको मिल जाएगा नायका पे बहुत इजीली। इसकी प्राइस है 599 रुपीज एंड इसमें आपको 60 ml का प्रोडक्ट मिलता है। पैकेजिंग इसकी कुछ इस तरीके की है, प्लास्टिक बॉटल है, ऊपर कैप है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्वियसली मेकअप सेटिंग स्प्रे है तो स्प्रे नॉजल तो होगा ही। आगे सेट एंड एक्सटेंड मेकअप ऑल डे, मेकअप को सेट भी कर देगा और आपके मेकअप को एज इट इज रखेगा पूरे दिन। हेल्प टू प्रिवेंट मेकअप फ्रॉम मेल्टिंग और फेडिंग, सो ये आपके मेकअप को मेल्ट नहीं होने देता। गाइज ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा हमें समर में यूज़ होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगी कि अगर आप विंटर में कुछ भी मेकअप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको इसको स्प्रे नहीं करना है। लाइक जितना विंटर में स्प्रे करते हो, जितना आप समर में स्प्रे करते हो उतना आपको विंटर में स्प्रे नहीं करना है। थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी कम कर देनी है लेकिन स्प्रे ज़रूर से करना है, तभी आपका मेकअप एज इट इज़ रहेगा। इवनली स्प्रे हो जाता है ये पूरे फेस पे। Use after makeup application, hold 8 to 10 inches away from the face and close eyes. Spray in clockwise direction, avoid spraying directly into eyes and lips. So yes guys, इस बात का आपको जरूर से ध्यान रखना है कि जब आप इसको स्प्रे कर रहे हो आपकी आईज बंद होनी चाहिए, आपके आईज में ये प्रोडक्ट नहीं जाना चाहिए एंड आपके लिप्स के अंदर भी नहीं जाना चाहिए। सो काइंड ऑफ जब भी आप स्प्रे कर रहे हो आपको बात नहीं करनी है, आपको आंखें बंद रख के इसको स्प्रे करना है, जस्ट लाइक दिस। सो इतना आपको लाइक 8 to 10 सेंटीमीटर आपको इसको दूर रखना है, अच्छे से शेक करना है एंड यस यू आर सॉर्टेड। कुछ ऐसे ही आप स्प्रे करते हो ना गाइज, आपके स्किन में विंटर में ना अगर आपको बहुत ज़्यादा खिंची खिंची स्किन रहती है ना, आपकी स्किन एकदम हाइड्रेट हो जाएगी, एकदम नरिश हो जाएगी एंड स्किन यू नो शाइनी सी लगेगी। आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी शाइनी रखती है एंड ये मेकअप मेरा इंटैक्ट रहेगा फॉर 8 to 10 hours पक्के से। सो गाइज मैं ट्राई कर चुकी हूँ एंड मैंने काइंड ऑफ अभी रिसेंटली इसको यूज़ किया था दिवाली के दिन और तब मेरा जो मेकअप था वो एज इट इज़ रहा था बहुत लंबे समय तक। और न्यू ईयर पर मैंने इसको आई थिंक यूज़ किया था समथिंग अराउंड 8 o'clock एंड मैंने जो अपना मेकअप रिमूव किया था नियर अबाउट 5 o'clock के आसपास, लेकिन तब तक जो मेरा मेकअप था एज इट इज़ था। ऑब्वियसली लिपस्टिक थोड़ी सी निकल चुकी थी, बाकी मेरा मेकअप एज इट इज़ था गाइस। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं स्प्रे की आपको बताना ही भूल गई गाइस कि ये बिल्कुल मैट फिनिश स्प्रे है। ये जब भी आप फेस पे स्प्रे करोगे ना आपको कोई शाइनी पार्टिकल्स या ऐसे ग्लिटर्स नहीं लगेंगे आपके फेस पे, आपका जो मेकअप है बिल्कुल मैट फिनिश देगा। तो समझ में तो आप इसको यूज कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप इसको विंटर्स में भी यूज कर सकते हो। विंटर्स में आपके स्किन को हाइड्रेट भी कर देगा, साथ ही साथ आपके मेकअप को सेट भी कर देगा एंड मेकअप आपका इंटैक्ट रहेगा ऑल डे लॉन्ग। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर करें आपने मेरे चैनल को किया है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना एंड शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। आज की वीडियो को करती हूं यहीं खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय गाइस।